सपा भाजपा व अन्य दल के प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर खीरी नामांकन दाखिल करने का दौर शुरू है। आज सपा भाजपा सहित अन्य दल के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद प्रत्याशी मीडिया से रूबरू हुए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा व निखासन सीट से प्रत्याशी आरएस कुशवाहा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनाने से पहले जो वादे किए थे वह वादे पूरे नहीं हुए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि खातों में 15 लाख कब आएगा। नौजवान इंतजार कर रहा है कि उन्हें नौकरियां कब मिलेंगी। किसान इंतजार कर रहा है कि उसका गन्ने का भुगतान कब मिलेगा। सरकार अपने वादों पर पूरी तरह से विफल रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से पलिया विधानसभा से प्रत्याशी रोमी सहारी ने कहा कि एक ही मुद्दा है, ईमानदारी का, गरीबों की सेवा का, देश की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष जितनी सीटें पहले लाई थी इतनी सीटें इस बार नहीं ला पाएगी। जी, नामिनेशन आपने कराया, क्या किन मुद्दों के साथ में आज पब्लिक के बीच में जाएंगे, क्या कहना? देखिए, हम लोग किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, उनके रोज़गार के संबंध में, महिलाओं के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आज जो मौजूदा सरकार है? आज जो मौजूदा सरकार थी, 5 साल जिन्होंने सरकार चलाई है, उन्होंने केवल झूठ बोलने का काम किया, गुमराह करने का काम किया है। और अगर हम अपने जनपद की बात करें तो कोई भी विकास का काम उन्होंने 5 साल में नहीं किया है। और पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास के काम कर दिए गए थे उनको भी वो इस सरकार में चालू नहीं करा पाए, संचालित नहीं करा पाए। क्या आगे का लक्ष्य है? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि जो पिछली सरकार में जो विकास ने रफ्तार पकड़ी थी लखीमपुर ज़िला में, हाईवे बने थे, अस्पताल बने थे, उनका संचालन कराना है, लोगों का सम्मान कराना है। और इन 5 सालों में जो अवैध रूप से खनन हुआ है, चाहे ऑटो वाले हों, रिक्शे वाले हों, उनसे अवैध वसूली की गई है, इसको सबको बंद कराना। देखिए, डबल इंजन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने प्रदेश और देश की सरकार बनाते पहले वादे किए थे, वो एक वादे पूरे तो हुए नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि खाते में 15 लाख रुपए कब आएगा। नौजवान इंतजार कर रहा है कि हमको नौकरी कब मिलेगी, 2 करोड़ नौकरियां कह रहे थे 1 साल में। किसान इंतजार कर रहा है कि गन्ने का पैसा कब मिलेगा, हमारी आय आमदनी 2 गुनी कब होगी। ये ढेर सारे मुद्दे हैं जिसके लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो इसमें, किसान जानवर से परेशान है। छोटे छोटे किसान हैं निकासन क्षेत्र में, 1 एकड़ 2 एकड़ 1/2 एकड़, अब फसल बोते हैं, तार भी लगाते हैं, लेकिन दिन रात उसकी चौकसी रखवाली भी करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा चूक जाते हैं, घर खाने चले गए, उतनी देर में पता लगा 20 गाय अंदर घुस गई, 20 जानवर अंदर चले गए, तारा के साफ हो गए। किसान मजदूरी करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं।